गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फर्स्ट ईवीएस चैप्टर नंबर 9 हमने रीड किया, आवर होम। लास्ट वीडियो में हमने एक टॉपिक किया, टाइप ऑफ रूम्स। आज हम करेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज, टिक द करेक्ट आंसर। द हाउस इन विच वी लिव विद आवर फैमिली इज कॉल्ड एन। वो कह रहे हैं कि हाउस में जब हम रहते हैं हमारी फैमिली के साथ तो हम उसको क्या बोलते हैं, ऑफिस, फैक्ट्री या होम? आंसर इज होम। वी सिट एंड टॉक टू आवर गेस्ट्स इन द। वो कह रहे हैं कि हम बैठते हैं और टॉक यानी बात करते हैं हमारे गेस्ट के साथ। कहाँ करते हैं? बेडरूम, ड्राइंग रूम, बाथरूम, ड्राइंग रूम। वी शुड कीप अवर क्लॉथ्स। हमें जो है हमारे कपड़े जो है हम कहां पर रखते हैं? इन द कबर्ड। वेयर डू वी रेस्ट एंड स्लीप। हम कहां रेस्ट करते हैं, कहां सोते हैं? बेड रूम। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो। देयर आर मैनी रूम्स इन आवर होम। वो कह रहे हैं कि मतलब घर में जो है, हमारे घर में क्या होते हैं, मैनी रूम्स, बहुत सारे रूम्स। वी टेक अ बाथ इन द बाथरूम। हम बात करते हैं, नहाते हैं कहाँ पर? बाथरूम में। वी कुक आवर फूड इन द किचन। हम खाना कहाँ बनाते हैं? किचन में। वी मस्ट कीप अवर होम नीट एंड क्लीन। हम जो है हमारे घर को कैसा रखते हैं? नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा। We eat our meals in the dining room. हम खाना कहाँ खाते हैं? Dining room. What should we do when we visit other people's house? Tick the correct picture. इसमें देखिए हम करेंगे सेकेंड पिक्चर पर टिक। ये जो है आराम से जो है क्या कर रहा है, स्टडी कर रहा है। इसने क्या किया है, सारा सामान जो है क्या कर रखा है, बिखेर रखा है। एक्टिविटी प्रोजेक्ट, डियर स्टूडेंट, एक्टिविटी प्रोजेक्ट आपको अपने आप से करना है। मैच द थिंग्स ऑफ देयर रूम्स। कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं आपको और बीच में जो है सेंटर में हमें टू रूम्स दिए हुए हैं, किचन एंड स्टडी रूम। हमें देखना है कि ये सिलेंडर जो है किस में यूज होता है, किचन में या स्टडी रूम में। उस पर आपको जो है क्या करना है, मैच करना है। डियर स्टूडेंट, ये थी हमारी एक्सरसाइज, आपको अपनी बुक में फील एंड रिवाइज करनी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।